Hello, hello, hello. हेलो हेलो अभी आवाज़ आ रही है एम आई ऑडिबल एवरी वन हेलो 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 नमस्ते अमन नमस्ते कॉमिक क्या हाल चाल है सबके बढ़िया किरण आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं मेन्स के लिए उनके ऊपर अपन एक दो प्रॉब्लम्स भी देखेंगे ओके हर एक चैप्टर के ऊपर ओके गाइस चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं जो जो सेशन में आते जा रहे हैं मेक श्योर आप लाइक बटन जरूर दबाए बेटा ओके सर मेरी फिजिक्स वीक है उदय मेहनत करनी पड़ेगी फिजिक्स बेटा ऐसे एग्जाम के एक दो महीने पहले तो आप थोड़े से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ध्यान दे सकते हैं ओके okay? चलिए तो शैल वी बिगन चलिए तो बूम बूम स्टार्ट करते हैं छोटे आज का सेशन जो लोग सेशन में आते जा रहे हैं मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन गाइस ओके चलिए सर कल आपने एक वर्ड बोला था डेट डू नॉट ओवर थिंक उसको मैं यूट्यूब पे सर्च किया वहां पे ये बीमारी होती है सबको है डिप्रेशन हो जाता है ओके 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 किरण भी सिखा दूंगा बेटा अगर क्वेश्चंस के साथ आएंगे तो मैं डेफिनेटली ट्राई टू टीच ओके उधर इस पर आराम से चर्चा करते हैं बेटा चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन एवरी वन बाई द वे जो लोग मुझे नहीं जानते हैं आई एम सूर्य आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट एटीपी कोटा ओके चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दट गैरंटीज ट्वेंटी मार्क फॉर इलेक्ट्रो ओके नाउ देखिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप मिस नहीं कर सकते ओके okay? तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके कंसेप्ट आप मिस नहीं कर सकते बेटा द फर्स्ट थिंग इज फोर्स एंड फील्ड कैलकुलेशन देखेंगे ध्यान से फोर्स एंड फील्ड कैलकुलेशन दूसरा पोटेंशियल कैलकुलेशन एंड तीसरा गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन ठीक है इट इज काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर ठीक है मतलब ये एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है मेन्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो इन तीन टॉपिक्स को आप बिल्कुल ही ना छोड़ के जाए ओके गुड इवनिंग परमार कुणाल गुड इवनिंग बेटा चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन तीनों टॉपिक मैं जहां जहां ये स्लाइड दिखाऊंगा मेक श्योर करना बेटा आप स्क्रीन शॉट जरूर ले लें ओके हैप्पी अप्रैल फुल डे बेटा चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अनुज ये उन बच्चों के लिए सीरीज बेनिफिशियल है जिन बच्चों को थोड़े से टॉपिक टॉपिक चाहिए चाहिए जो मिस नहीं करके जा सकते right? तो मेक श्योर sure करें स्क्रीनशॉट ले, ले, ले के तीन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान लेटस कम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम ओके नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम ओके ओके लेट्स स्टार्ट आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा घटाघट आंसर चाहिए मुझे ठीक है चलिए अ सर्टेन पार्ट क्यू एंड क्यू माइनस क्यू देखिए पीवाई क्यू हाउ शुड द चार्जेस द्यू एंड क्यू बी डिवाइडेड सो दैट क्यू एंड क्यू माइनस क्यू प्लेस एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ठीक है चलिए ध्यान से देखिएगा स्टार्ट हो जा भाई लिख ले आजा देखिए ना बच्चों क्या सीन है एक चार्ज को आपने दो पार्ट में तोड़ दिया तो आपको बताना है क्या कि भैया इन दोनों का रेशियो क्या हो बेसिकली क्यू और क्यू का ताकि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन हो तो एक चार्ज को रखा अपन ने क्यू एक चार्ज को रखा आपने कैपिटल क्यू माइनस क्यू तो दोनों के बीच में जो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स होगा बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बेटा के इंटू क्यू इन क्यू माइनस क्यू अपॉन द सेपरेशन बिटवीन दम दिस विल बी दी गई बिल्कुल सही सर दिस विल बी दस नाउ सी ध्यान से देखना क्यू क्योंकि force, force का क्या होता है, बेटा, आपको याद होगा गुड बेटा वेरी गुड चलिए तो कैसा करें बेटा किस किसके आंसर आ गया इस क्वेश्चन का ओके वेरी गुड बेटा शाबाश तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है अब देखिए आपको ये फोर्स पता चल चुका है राइट अब आपको क्या निकालना है कि आ, क्या होना चाहिए मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के लिए फोर्सेस तो आप एक काम कर सकते हैं डी अपॉन डी को जीरो से इक्वेट कर सकते हैं बेटा टू गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स राइट तो वहां से आपको क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी या तो फिर आप क्या कर सकते हो बेटा ये दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होना चाहिए अगर इस फोर्स को मैक्सिमम होना है तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे क्यू शुड भी इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू दैट इज टू टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू चलिए आगे की तरफ बात करते हैं वेरी गुड कोड नहीं आया सर कोड आ जाएगा बेटा गिव एट टाइम सिंगल ड्रॉप द पोटेंशियल तो सबसे पहले तो सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होता है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बटा दैट शुड बीवल टू के क्यूबाई आर क्लियर है पांच सौ 512 ड्रॉप को लिया गया और इनसे एक सिंगल ड्रॉप को बनाया गया राइट चलिए सब ड्रॉप का रेडियस मैं मान लेता हूं स्मॉल आर है और सब ड्रॉप पे चार्ज मैं माल लेता स्मॉल क्यू है राइट गाइस राइट सर तो मुझे बताइए ऐसे 512 ड्रॉप को रखेंगे तो सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा बेटा 512 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू चार्जेस आर ऑलवेज कंजॉर्व राइट तो ये सारे छोटे छोटे बबल्स मिलके जो एक बड़ा बबल बना रहे होंगे बेटा तो इन सब पे अगर क्यू क्यू चार्ज थे तो फाइनल वाले पे कितने चार्ज आएंगे बेटा पांच सौ बारह क्यू साथ ही साथ में देखिए ध्यान से वॉल्यूम विल ऑल्सो बी कंजर्व तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूं ऐसे पांच सौ बारह फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब मिलके फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब का बबल बना रहे हैं फोर बाई थ्री पाई से फोर बाई थ्री पाई कैंसिल तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ मुझे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा ये हो जाएगी 512 का क्यूब रूट टाइम्स ऑफ स्मॉल आर बोलो हां ना बेटा 512 का क्यूब रूट क्या होता है जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे बेटा 512 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा बेटा ये 8 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा तो आपको पता चल गया क्या पता चल गया कि भाई ये जो बड़ा वाला बबल है इसका जो रेडियस है छोटे वो एट टाइम्स ऑफ स्मॉल आर है और इस पर जो चार्ज है बेटा वो पांच सौ बारह टाइम्स ऑफ क्यू है तो नए वाले का जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी गिवन बाय के क्यू बाय आर सही है क्या ना बेटा के तो कॉन्स्टेंट है एंड वॉट इज क्यू दैट वुड बी फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व क्यू टाइम्स ऑफ वट इज आर नया आर विल बी एट आर कितने से चला जाएगा बेटा मुझे बताओ अड़छक अड़तालीस और आठ चौके बत्तीस तो सिक्सटी फोर के क्यू आर आ गया ये आंसर शुड बी कुछ गलती हुई क्या देखो जल्दी जल्दी जल्द से आंसर कितना आएगा इसका एवरी वन जल्दी बताएंगे आंसर ऑप्शन बी ट्वेंटी फोर फॉर्मूला है के क्यू बायर ड्रॉप टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप अच्छा सबका वोल्ट दो है ओके ओके सबका वोल्ट कितना है बेटा दो है राइट तो ओरिजिनल वोल्टेज का कितना हो जाएगा यह देखते देख सकते हैं आप लोग ये हो चुका है सिक्सटी फोर राइट तो सिक्सटी फोर मल्टीप्लाइड बाई टू राइट तो सिक्सटी फोर इंटू टू वुसर विल बी वन ट्वेंटी एट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बी नहीं होगा बेटा बी नहीं होगा 64 का होगा होगा 28 बेटा 128 आपको आपके पास कितना फॉर्मूला है वो आया है बेटा 64 और की क्वेश्चन में दे रखी है दो वोल्ट है एक हर एक का कितना दे रखा है दो वोल्ट दे रखा है सिक्सटी फोर इंटू टू दैट इज वन ट्वेंटी एट शुड बी आंसर टू प्रॉब्लम ओके गाइस शेल मूव ऑन लास्ट टाइप का जो प्रॉब्लम आता है उस टाइप का है कुछ देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है बोल रहा है कि आपको क्या दे रखा है अमन 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 ऑप्शन बी 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 सी बेटा नॉट द द आंसर टू प्रॉब्लम ओके गाइस चलिए चलिए आइए मूविंग ऑन इसको क्वेश्चन को ट्राई करिए ये ट्वेंटी ट्वेंटी का प्रॉब्लम है

अब आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है ओके ध्यान से देखना सी सिनेरियो क्या है यू नो द चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ओके आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एट अ डिस्टेंस आर वन करेक्ट है तो गॉस्लो आप लगा सकते हो गॉस्लो क्या बोलता है बेटा ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू नॉट राइट राइट तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर कितना चार्ज है क्यों तभी तो आप लिख पाओगे ई इन फोर पाई आर स्क्वा इनफैक्ट फोर बाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू

इसके अंदर जो चार्जेस मौजूद होंगे वो क्यू चार्ज मौजूद होगा और वो कितना होगा वो DQ चार्ज होगा, वो होगा रो इन टू वी और वी की वैल्यू कितनी है आर। अगर आप सर इसको इंटीग्रेट कर दोगे जीरो से लेके आर वन तक तो आपको पता चल जाएगा कि आर वन रेडियस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है समझ में आया

किसी कोई समस्या तो नहीं है नहीं सर उठा के सर आप इसको यहां पुट कर सकते हो तो हो जाएगा e इंटू फोर पाई आर वन स्क्वाज इक्वल टू वर वन क्यूब बेटा अच्छा रो 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 अभी रो की वैल्यू अपन ने रखी नहीं है रो की वैल्यू दे रखी है प्रॉब्लम में ओके इरेजर सॉरी रो की वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को रो की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा प्रॉब्लम में देखेंगे ध्यान से रो इज गिवन एज क्यू आर अपॉन पाई आर टू दावर फोर क्यू आर अपॉन पाई आर टू दावर फोर सो पुटेट आर अपॉन पाई आर टू दावर फोर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर लिमिट विल गो फ्रॉम जीरो पाई से पाई का मैटर कितना क्लोज फोर क्यू अपॉन आर टू दावर फोर यह हो जाएगा आर क्यूब डी आर आर क्यूब डी आर एक्चुअल में होगा कितना बेटा आर क्यूब डी आर होगा बेटा आर की पावर फोर अपॉन फोर डिड यू गैस गेट इट इससे यह कैंसिल हो जाएगा एंड लिमिट विल गो फ्रॉम जीरो टू आर वन सो दट यू कुड गेट

अमन टेल मी द आंसर बेटा राइट डाउट एवरी वन आई एम वेरी गुड बेटा मुनिशा हाय राइट डाउट आई गाइज चलिए देखिए ध्यान से रेडियस दे रखा है आपको आपको पता होना चाहिए क्या बेटा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है नो दैट एस्के बट गिवन बाई राइट टू टाइम्स ऑफ जीएम अपॉन आर करेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल सही सर अब क्या बोल रहा है कीपिंग मास्क सेम तो नया रेडियस कितना होगा देख लो ध्यान से उसको बोल देता हूं टू जी एम अपॉन नया रेडियस बोल देता हूँ आर डैश करेक्ट है गाइस बिल्कुल सही है तो कितना हो जाएगा ये दोनों तो तरफ स्क्वायर कर लो हंड्रेड अपॉन आर शुड बीवल टू वन अपॉन आर डैश आर डैश शुड इक्वल टू आर अपॉन हंड्रेड आंसर शुड टर्न आउट टू बी सिक्सटी फोर किलोमीटर शुड टर्न आउट टू बी सिक्सटी फोर किलोमीटर क्योंकि आपने पृथ्वी को कंप्रेस कर दिया पृथ्वी को कंप्रेस कर दिया मतलब आर को आपने बदल दिया प्रणाम वैभव आर को अगर आपने बदल दिया बच्चे आर को आपने बदल दिया देखो ध्यान से बेटा किसको बदल दिया आपने आर को बदल दिया तो आर कितने टाइम्स बदला ये आपको निकालना था तो आर हंड्रेड टाइम्स क्या हो चुका है बेटा डिक्रीज हो चुका है तो चौसठ सो बटे द देंसर शुड टर्न आउट टू बी हंड्रेड ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम अ अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सर्फेस सच दैट एच इज मच मच लेस देन आर वेर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ ध्यान से पढ़िएगा

ताकि वो कहां चला जाए बेटा वो अर्थ के पुल को छोड़ दे तो देखो क्या लिखा है वही क्वेश्चन पूछा है द द इफेक्ट ऑफ आवर अर्थ कैन बी मिनिमम इंक्रीज इन द स्पीड द द मिनिमम इंक्रीज इन स्पीड ठीक है बेटा रिक्वायर्ड सो दैट सैटेलाइट कुड एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ ठीक है चलो तो कितना होना चाहिए मिनिमम स्पीड का इंक्रीज तो आपको पता है बहुत अच्छे से पता है क्या पता है तेरे को आपको पता है वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ कितनी है अंडर रूट ऑफ टू जी आर है एंड फॉर सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ ऑर्बिटल स्पीड कितनी है अंडर रूट ऑफ जी आर है तो आपको कितनी स्पीड देनी पड़ेगी चेंज कितना देना पड़ेगा सर रूट टू जी आर माइनस रूट ऑफ जी आर तो क्या लिख दोगे बेटा आप रूट जी आर कॉमन लेते ही आप लिख दोगे बेटा रूट टू माइनस वन ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट दोनों दोनों वेलॉसिटी आपको पता होनी चाहिए ऑर्बिटल और कौन सी बेटा स्केप वेलॉसिटी मूव यू गॉन्ट टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉट डज इट सेस वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड वॉट डज इट सेस इट से जियो स्टेश सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड दर्बिटरी प्लान पी

का स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस दो देखिए से जीएस सैटेलाइट इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड एन आर्बिटरी प्लैनेट पी एट अ हाइट ऑफ 11 आर अब द सरफेस पी आर बीइंग द रेडियस ऑफ पी करेक्ट है क्या पी का रेडियस कितना है बेटा आर है द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एन आर एट अट टू आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ पी पी हेज अ टाइम पीरियड ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स कैसे करेंगे आपको क्लियर होना चाहिए बेटा दोनों के ले लेंगे, क्या मैं कह सकता हूँ टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वल टू आर वन अपॉन आर टू का होल क्यूब वैल्यू स्पर्ट करके यू गुड गेट द वैल्यू ऑफ टी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दट इज कॉल्ड कैपैसिटर ओके गाइस चलिए ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम कैपैसिटर

टू मिली सेकेंड आफ्टर द स्विच इज क्लोज इन फिगर इज तो ये आरसी सर्किट से बिलोंग करता है कितना हो जाएगा यह दो और दो आपस में क्या लगा हुए हैं पैरल में लगे हुए हैं तो यह नेट कैपैसिटन लगा हुआ है सी नेट जो है वो कितना हो जाएगा सी वन प्लस सी टू हो जाएगा वन प्लस सी बोले तो कितना हो गया बच्चे चार माइक्रोफेरेट सी वन प्लस और ये कैपेसिटर कैसा हो रहा है बेटा चार्ज हो रहा है कैपेसिटर क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है आरसी सर्किट है ये दिस इस, इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आरसी सर्किट सही है तो VC at any time t could be given as क्या बोल सकते हैं VC at any time t could be given as VC at infinity plus VC at zero plus minus VC at infinity into e की पावर minus t by tau tau is RC tau is called time constant ये डायरेक्टली तरीका होता है बेटा फॉर्मूला याद रखने का ये हर जगह वैलिड होता है ऊपर वाला फॉर्मूला या मेथड जय हिंद नीरज भाई जय हिंद जय जय हिंद भैर भाई जय हिंद बस कर जय हिंद बाबा चलिए तो ये होता है आरसी सर्किट के अंदर का फॉर्मूला तो वीसी सी एट इन्फिनिटी कैपेसिटर इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव करता है कैपेसिटर इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव करता है बताइए कैपेसिटर इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव करता है सर कैपेसिटर इन्फिनिटी पे

सी टी वुड बी गिवन बाई वीसी कितना है बेटा जल्दी बताओ सर VC है सिक्स प्लस VC सी एट जीरो प्लस कितना है बेटा जीरो माइनस सिक्स इंटू की पावर माइनस टी बाय आर इन सी तो सिक्स इंटू वन माइनस ई की पावर ये कितना लिखा है सिक्स माइनस सिक्स है ना ई की पावर माइनस टी बाय आर सी सो दिस इज वी सी एट टी अब आपको टाइम टी पे पता चल चुका है क्या कि इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना है और अगर आपको वोल्टेज पता चल गया बेटा आर इंटू सी की वैल्यू आप डायरेक्ट लिखेंगे ठीक है आपको वोल्टेज पता चल गया इनके अक्रॉस तो आपसे क्या पूछा चार्ज तो चार्ज होता है बेटा क्यू इज इक्वल टू सी इंटू बी दीक है तो आप क्या करेंगे बेटा पॉइंट टू मिली सेकेंड टी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे आर की वैल्यू है बेटा ट्वेंटी फाइव और सी की वैल्यू कितनी है बेटा फोर माइक्रो

कैपेसिटर और द न्यू कैपेसिटेंस इन टर्म ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस इज गिवन बाय मतलब ये कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है ये कि भाई ऐसे दो प्लेट्स हैं उनके बीच में 3d by 4 तक मैंने k पुट किया और ये डाइइलेक्ट्रिक यहां पे 1 ही है बचा वो डिस्टेंस कितना है d 4 पर मान लें इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा इसका कैपेसिटेंस कितना होगा देखिएगा ध्यान से वट वुड बी इट्स कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ सी नॉट सी नॉट कितना है बेटा सी नॉट सिंपल है एपसलिन नॉट ए बाई डी ठीक है अगर एरिया सेम है तो देखिए ये दोनों सीरीज में ये दोनों सीरीज में है तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू तो वन अपॉन सी वन कितना होगा बेटा इसके लिए बताइए मुझे डिस्टेंस आपने थ्री डी बाई फोर लख दिया दो प्लेट के बीच में एरिया अभी भी सेम है तो क्या लिखोगे एपसलिन नॉट ए अपॉन डी बाय फोर सॉरी थ्री डी बाय फोर टाइम्स ऑफ के करेक्ट है या नहीं है एप्सलिन नॉट के ए अपॉन लिखोगे आप थ्री डी बाई फोर उल्टा लिख दिया थ्री विल इन डेनोमिनेटर प्लस वन अपॉन सी टू कितना लिखेंगे बेटा ये वापस से वही लिखेंगे बेटा वन अपॉन इसको तो सिंपल लिखेंगे एप्स नॉट ए अपॉन डी बाई फोर करेक्ट है गाइस करेक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू वन अपॉन सी इक्वल इंटर ऑन सॉल्विंग गेट द वैल्यू ऑफ ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है थ्री डी अपॉन फोर एप्सलिन नॉट ए के प्लस डी अपॉन फोर एप्सलेंड नॉट ए यहां से क्या कॉमन ले सकते हो आप डी अपॉन एप्स नॉट ए कॉमन ले सकते हो बेटा दिस विल इवेंचुअली प्रोवाइड यू वॉट बेटा डी अपॉन एप्सलिन नॉट ए कॉमन ले सकते हो दिस विल गिव यू थ्री बाय फोर के प्लस वन अपॉन फोर गाइस इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो बेटा सी इन दर्म्स ऑफ सी नॉट ये वन अपॉन सी लिखा है करेक्ट है A by D को आप क्या बोल सकते थे वन अपॉन सी नॉट इसको आप सॉल्व करके यू कुड गेट द राइट आंसर सो दैट इज हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस ठीक है सिंपल सिंपल सवाल आते हैं डोंट वरी अबाउट इट थैंक यू नीरज थैंक यू बेटा चलिए आइए आई होप आप लोगों को समझ में आया कैसे सॉल्व किया अपन ने ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगेन इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर में आप कुछ भी ना छोड़ के जाएं आई वुड रिकमेंड डोंट लीव एनीथिंग इस चैप्टर से आप कुछ भी ना छोड़ के जाएं पर ठीक है अगर आपको कुछ चीजें आती हैं तो बहुत बेहतर है लेकिन डिवाइसेस सर्किट्स और मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी के प्रॉब्लम्स ठीक है आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए आइए कुछ सवाल इसके ऊपर भी देखते हैं पहला सवाल है द वैल्यू ऑफ द करंट इन ओम रेजिस्टेंस विल बी कैसे निकालेंगे इसके सवाल को इस सवाल को कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी से एवरी वन गेट मी द आंसर क्या कर सकते हैं बेटा कुछ नहीं यहां पे पोटेंशियल मान सकता हूं मैं भी या तो क्या लगा दो लूप लॉ लगा दो ठीक है या तो नोडल एनालिसिस लगा दो तो क्या लिखोगे आप v वन फोर्टी अपॉन ट्वेंटी प्लस वी अपॉन सिक्स प्लस वी माइनस नाइनटी अपॉन फाइव इक्वल टू जीरो यहां से इसको सॉल्व करके आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ v द करंट गोइंग इन दिस वन विल बी v बाय सिक्स यू कैन ईजिली सॉल्व इट करेक्ट है गाइस या तो फिर आप इसमें क्या कर सकते थे बेटा लूप लॉ लगा सकते थे इसके अंदर करंट i1 मान लेते हैं इसके अंदर करंट i2 मान लेते हैं और इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं पहले वाले लूप की पहले वाले की इक्वेशन की लिखते हैं 140 20 i1 करेक्ट है इनके अंदर दोनों में करंट क्या जा रही है सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस 6 i1 i2 0 इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं दूसरी 90 5 i2 6 i1 i2 0 दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर लेते हैं। पर सिक्स के अंदर जो जाने वाली करंट है वो आई वन प्लस आई टू होती है ठीक है बेटा एक लास्ट मैंने उसका स्टडी स्टेट का प्रॉब्लम लिया डोंट वरी करा दूंगा डोंट वरी बेटा चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको या तो नोडल से कर सकते थे या तो आप इसको केवीएल से भी कर सकते थे जैसा आपको सही लगे

गेलवनोमीटर जो होता है वो दो ई के रेशियो को भी मेजर कर सकता है दैट इज ईवन अपॉन ए टू इज बेसिकलीवन बाय एलवन अपॉन एल टू तो मेरे को एलवन और एल टू ढूंढना है तो देख बेटा चल आइए ढूंढते हैं एलवन कहा मिलेगा ये सब सौ सेंटीमीटर के हैं दस मीटर लेंथ है टोटल देख ध्यान से टोटल दस मीटर लेंथ है मतलब एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस मतलब हर एक जो ये वाली लेंथ है वो कितने की है सौ सेंटीमीटर की है सबसे पहली जो L1 मिला कहां मिला देखना 100, 200, 300, पूरा आता है तो 400, 400 में से 20 गया 380 पे मिल गया पहला सौ देखते जा 100, 200, 300, 400 400 में से 20 सेंटीमीटर पहले मिल चुका है तो पहला एलवन कहां मिला अपने को जहां पे बैलेंस हुआ वो तो तीन सौ सेंटीमीटर पर मिला अगला कहां मिलेगा देख ध्यान से 400 हो गया पांच सौ छह सौ सात सौ सात सौ साठ पे मिल गया अगला देखिए वाली रिस्टेंस सात साठ दे रखी तो एल टू कितना हो गया बेटा सात सौ साठ सेंटीमीटर सही है क्या तो इन दोनों को डिवाइड किया तो वन बाई टू खत्म आगे तरफ चलते हैं डिड यू गाइस गेट इट और नॉट सर फाइनल स्टेप रिवीजन लेक्चर्स आर नॉट अपलोडेड दैट इट इज नॉट शोइंग इन द ऐप

राइट right? खास करके आपको ये जो डिवाइसेस वाले क्वेश्चंस हैं और केवीएल वाले क्वेश्चंस हैं इनको बहुत अच्छे से करते आना चाहिए डोंट मिस द प्रॉब्लम लाइक दिस वन नाउ मूविंग ऑन टू द मैग्नेटिज्म द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लियर है चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम डज इट सेस मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे बेटा एवरी गायवरी वन मेक श्योर टू टेक द स्क्रीनशॉट Sure चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड दूसरा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक्ड एंडियर वेरी गुड एंड लास्ट वन इज अर्थ एज अ मैग्नेटिज्म इन तीनों टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर इन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन आर एक्सेरेटेड फ्रॉम रेस्ट बायल्टेज ऑफ पांच सौ वोल्टेज ऑफ पांच सौ वोल्ट प्रशांत आपको आज भर वेट करना पड़ेगा मिल जाएगा बेटा डोंट वरी बच्चे है ना चलिए इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट राइट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड 100 एम टी इज देन अप्लाइड तो यार आपको पता होना चाहिए रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों एम अपॉन क्यू टाइम्स ऑफ बी करेक्ट है करेक्ट है तो चलिए तो आपको क्या क्या पता है क्यू पता है B पता है, square, किसके लिए होगा? Q टाइम्स ऑफ वोल्टेज अप्लाइड तो आप यहां से क्या कर सकते हो बेटा एम इंटू वी की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दोगे तो आपको R पता चल जाएगा ओके okay? सो आई थिंक दिस वेरी इजी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हो आर इम से लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल बहुत बढ़िया इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए देखिए ध्यान से इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगी बताओ बोर्ड के अंदर और इसकी वजह से भी कहां होगी बोर्ड के अंदर देखो इसकी वजह से बोर्ड के अंदर हुई आई के डायरेक्शन में करंट किया पॉइंट पी पे देखो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर करेक्ट है या नहीं है बिल्कुल सही सर दूसरा ये इनफाइनाइट रॉड है इनफाइनाइट वायर है फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू ये फॉर्मूला होता है हाँ सर यही होता है तो क्या हो जाएगा एक के लिए एक तो थ्री टाइम जीरो एक के लिए और दूसरे के लिए भी कितना हो जाएगा बताओ इसके लिए भी बोर्ड के अंदर और इसके लिए भी बोर्ड के अंदर तो दोनों के अंदर बोर्ड दोनों की वजह से बोर्ड के अंदर और इसकी वजह से भी बोर्ड के अंदर मतलब तीनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो ऐड होगा बी वन प्लस बी टू प्लस B3 थ्री जहाँ पे B1 और B2 की वैल्यू कितनी आ रखी है म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई और क्योंकि क्या है ये ये है सेमी सर्कल सेमी सर्कल राइट तो सेमी सर्कल की वजह से कैसे निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है बेटा मुझे बताओ सर सेमी सर्कल की वजह से होता है म्यू नॉट आई अपॉन फोर डी टाइम्स ऑफ थीटा ठीक है इसमें थीटा कितना रख लेना बेटा आप थीटा यू विल टेक इट एज अ पाई सो Solve it and you will get the right answer. तो मैं आपको वापस से recommend कर रहा हूँ ring के लिए, rod के लिए. तो आपको बहुत अच्छे से magnetic field और electric field दोनों बहुत अच्छे से आना चाहिए from mains point of view से. Okay guys, चलिए. Moving on to the next problem. What does it says? At an angle 30 degree to the magnetic meridian, the apparent dip is 45 degree. Find the true dip. Apparent dip or true dip Me kya relation hota hai, bhai? Apparent dip jo hota hai, wo hota hai true dip. अपन कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द सो ट्रू डुप कितना टेन फोर्टी फाइव इन टू कॉस ऑफ थर्टी डिग्री यू कैड सॉल्व एंड यू कैन गेट द ट्रू डिप एज वट एवर वैल्यू इज चलिए आगे चलते चलते रूट थ्री बाई टू ऑप्शन डी ओके गाइस चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थैंक यू ट्रेवलर अच्छा हां निशांत हा मैसेज देख लूंगा बेटा में पक्का ऑफिस टाइम के बाद ओके चलिए

ये तेरे को पता चल चुका है वैल्यूज ऑफ टी एंड आर यू गेट वैल्यू एट फाइव द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अल्टरनेटिंग करंट इनके अंदर आप ये तीनों सर्किट बहुत अच्छे से पढ़ ले बेटा सीरीज में एल आर सर्किट सी आर सर्किट एंड आर एल सी सर्किट ओके डोंट मिस इट इट वेरी गुड गुड चलिए आगे तरफ चलते हैं तो अल्टरनेटिंग में LR, CR और ठीक तो है? चलिए है ये ये नहीं है ये का ही है, लेकिन स्टडी स्टेट एनालिसिस का है। सीरीज आर एल सी सर्किट में सिंपल सा फॉर्मूला आएगा बेटा एक सिंपल सा फॉर्मुला आप आर एल सी के लिए कैसे करते हैं आप नेट इम्पिडेंस निकाल लो नेट इम्पिडेंस हो जाता है अंडर रूट ऑफ वॉट बेटा आर स्क्वाट बेटा जो आपका एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर नेट इंपिडेंस बहुत आपको वोल्टेज अपॉन और नेट इंपिडेंस कर दोगे तो नेट आई आर एम एस आपको पता चल जाएगा ठीक है तो आप सीरीज आर एल सी याद कर लो बाकी जो तो एल uh, सी और एल आर सर्किट्स हैं या फिर यू नो आर सी सर्किट्स हैं इन तीनों का ही एक छोटा सा केस है आर एल सी सर्किट का तो उसी से हो जाएगा चलिए डज प्रॉब्लम वट डॉब्लम सर्किट दैट कंटेन फोर आइडेंटिकल रजिस्टर्स विद रजिस्टेंस टू ओम द टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स विद इंडक्टेंस मिली विद्री एंड एन आइडियल बैटरी विद एफ नाइन वोल्ट द करेंट आई जस्ट आफ्टर स्विच एस एस क्लोज विल बी देखिए जय माता दी सिद्धार्थ भाई देखिए सीन क्या है छोटे ये जितने आर एल सी वाले सर्किट्स के प्रॉब्लम होते हैं ना अगर आप लोगों को और थोड़ा सही से देखना है मैं आपको बता देता हूँ चलो क्लियर कर देता हूं अगर आपको सीरीज ट्रांजेंट एनालिसिस या फिर सीरीज एनालिसिस वाले सारे सवाल देखने के कैसे करते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक होती है है ना और स्टडी स्टेट में क्या होता है ट्रांसजेंड एनालिसिस में क्या होता है और टी इक्वल टू जस्ट क्लोजिंग एंड बिफोर द स्विच वाला सर्किट में क्या होता है तो ना आप ना इसकी प्ले में जाइएगा ए स्टार की वहाँ पर आपको एक एडवांस प्रॉब्लम की प्ले मिलेगी उसके अंदर आप इलेक्ट्रो सर्च कर लीजिएगा या फिर आर एल एंड आर सर्किट मैंने पढ़ा रखा है इससे आपके एक पूरे कंसेप्ट जो है ना एकदम क्लियर हो जाएंगे एकदम बूम बूम लेवल पर ठीक है एकदम अच्छे से दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ओके गाइस चलिए आइए स्टार्ट करते हैं तो भाई एक बात आपको याद रखना पड़ेगा क्या याद रखना पड़ेगा कि भाई जो कैपेसिटर होता है वो तो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है कैपेसिटर क्या करता है अपोजेस चेंज इन वोल्टेज और दूसरा याद रखना पड़ेगा जो इंडक्टर होता है ये क्या करता है अपोजेस चेंज इन करंट इसका मतलब क्या है अगर स्विच को क्लोज करने से पहले अगर कैपेसिटर के पास कोई वोल्टेज नहीं था मतलब स्विच को क्लोज करने के पहले कैपेसिटर की जो सिचुएशन थी वही स्विच को क्लोज करने के बाद होगी जीरो प्लस लिख रहा हूं मतलब स्विच के क्लोज करने की बात की कंडीशन जीरो माइनस स्विच के क्लोज करने की पहले की कंडीशन है ऐसे ही आई एल जीरो माइनस जो होता है वो आई एल जीरो प्लस होता है मतलब मैं ऐसा बोल दूं अगर कैपेसिटर के पास स्विच को क्लोज करने से पहले कोई वोल्टेज नहीं था तो बाद में भी नहीं होगा और नहीं होगा का मतलब क्या है नहीं होगा का मतलब यह है वोल्टेज ना होने का मतलब है शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा और 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 इंडक्टर अगर पहले करंट नहीं था और बाद में नहीं है करंट ना होने का मतलब क्या होता है ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा ठीक है तो बस इसी कंसेप्ट सवाल उड़ा देते हैं पर खटाक से यहां पे क्या बोल रहा है जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज खत्म कहानी तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो ये उड़ गया ये उड़ गया क्योंकि स्विच क्लोज करने के बाद जो इंडक्टर होता है वो कैसा बिहेव करेगा ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा तो इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं तो मेरे भाई द एंसर शुड बी इज इक्वल टू नाइन अपॉन आर और कुछ है क्या सॉरी नाइन अपॉन टू आर ये दोनों तो क्या हो गए बेटा ओपन हो गए तो नाइन अपॉन टू इन टू टू नाइन बटे फोर सेशन बहुत अच्छा लगा हो क्लियर है ठीक है तो आप मैं आपको दोबारा से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूं बेटा कि आप इलेक्ट्रोडायनॉमिक पूरी अच्छे से करके जाए दूसरा आप मॉडर्न फिजिक्स सेमी कंडक्टर फिजिक्स हीट एंड थर्मोडायनोमिक्स और वेव्स इनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें राइट इनमें आपको कोई भी बोनी होना चाहिए जी हिंद मनीष भाई आने के कितने चांसेस सर मेंस में एडवांस के पी आने के हाँ बेटा एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे ज्यादा चांसेस तो नहीं बोल सकता लेकिन हाँ दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं पर वो भी एकदम हार्ड लेवल वाले नहीं रहेंगे थोड़े से आसान लेवल के ही रहेंगे वो बेसिकली मेन्स के लेवल के ही रहेंगे सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट ठीक है तो देखिए ए स्टार आपका जो समय है उसकी वैल्यू करता है वे हम नहीं चाहते हैं कि आपका थोड़ा भी समय बर्बाद हो राइट दैट्स वाई हम सेशन को हमेशा कंटेंट टू लेंथ रेशियो जो रहता है एटीपी स्टार का वो हमेशा हम अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करते हैं राइट right? तो आप आई होप आपने इस पूरे सेशन में जितना भी अपन ने सेशन सेशन किया जिस पूरे में आपने काफी कुछ सीखा होगा राइट right? तो याद रखें जो जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं अभी एक और छोटा सा अपना एरिया बचा हुआ है मैंने मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा बता दिया है कि जो जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं आप मेक श्योर sure करें उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर की ओके गाइस चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टूडे मिलते हैं बहुत जल्दी ठीक है आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें हार ना माने ये अपना बेस्ट टाइम है अभी देने का राइट किसी की बातों में ना आए आप अपने आप को डीमोटिवेटेड फील ना करें हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि 20 इक्कीस दिन बचे हैं आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे सो मेक श्योर करें बेटा आप अपने आप को अपना हीरो बना के चलें राइट अभी आपको किसी की नहीं सुननी आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है नो कैन हेल्प यू राइट नाउ राइट यू हैव टू हेल्प यूर ओके गाइस ओके okay? चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं सो इट फ्रॉम माय साइड टुडे थैंक यू फॉर पेशेंट लिस्निंग